कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवर सीजीज सेक्टर सी स्ट्रीट सिक्स पर बनने वाले जो दस माख घर हैं जो कि हैं कंटेप्रेरी स्टाइल के उनका ओवरऑल डिज़ाइन कैसा है अंदर से कैसा है और जो घर में कितने बेडरूम्स हैं स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स तमाम चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा और ये वो विलाज़ हैं जो कंपनी की तरफ से एक करोड़ चालीस लाख की प्राइस पर लॉन्च किए गए थे अगर आज की डेट में देखते हैं इन विलाज़ में जो मुकम्मल हुए हैं उनमें फैमिलीज़ मूव होना शुरू हो गई हैं ये मेरे लेफ्ट साइड पर जो रोड है आपको नजर आ रही है ये बिल्कुल फेंसिंग यहाँ पर हुई हुई है इसके ऑपोजिट साइड पे सारा कमर्शियल है और कमर्शियल के क्रॉस जो है लामायर की बिल्डिंग है लामायर का एरिया है लामायर में सोसाइटी ने बाद में लेटेस्ट स्टेज पे कमर्शियल्स को सेल करना है इन बिलास की अगर बात करें तो ये बिलास का एक्सटीरियर जो है इन्ताई खूबसूरत डिजाइनिंग में है और इसमें क्लासिकल डिज़ाइनिंग के साथ साथ यहाँ पे क्वालिटी को बहुत हद तक कह लें कि ए प्लस प्लस रखा गया है मैं वीडियोज़ का आपको इंटीरियर दिखाता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ओवरऑल घर का स्ट्रक्चर कैसा है प्लॉट लॉट की बात करें तो इसमें पैंतीस बाय पैंसठ का प्लॉट है स्ट्रीट वेट इसके अंदर चालीस फिट की है ये आपको स्ट्रीट बेट्स मिलती है हर प्लॉट के सामने और हर स्ट्रीट के एंड पे आपको तीन तरह के डस्टबिन मिलते हैं जो कि जर्मनी से इम्पोर्ट किए गए थे और इनको सोसाइटी की तरफ से ई वेस्टेज का नाम दिया गया है जो कि इंथाई शानदार डिजाइन में है अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर अंडरग्राउंड सेवरेज है वो इस पूरी स्ट्रीट में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है अंदर चलते हैं गेट देखें तो इंथाई सॉलिड क्वालिटी का गेट है और अभी इस घर की फाइनल पेंट्स पेंट पे काम हो रहा है बट इन जनरल जिन मेंबर्स के विज हैं उनको आइडिया मिल जाएगा कि विला उनको कैसा हैंड ओवर होगा मुकम्मल होने के बाद दो गाड़ियों का कागराज है यहाँ पे दो गाड़ियों का कागराज में दो ईजिली से डांस यहाँ पर पार्क हो सकती हैं बाकी मैं साइजेज जो होंगे इनके एग्जैक्ट मैं वो भी साथ यहाँ लिख दूंगा ताकि आइडिया मिल सके कि यहाँ पर कागराज कितना है कागराज के साथ साथ यहाँ पे हर घर के साइड पे आपको पाँच फीट का पैसेज मिल जाता है जो कि पीछे जाता है जहाँ से आप सर्वेंट क्वार्टर की एक्सेस लेते हैं वहाँ को पीछे बाद में दिखाऊंगा फ्रंट पे कुछ लॉन एरिया है और लॉन एरिया के साथ तकरीबन आपकी एट फीट की विंडोज़ हैं जो कि इंस्टॉल की गई हैं और ये इसकी काफ़ी घर में घर के लुक में काफ़ी अच्छा इजाफ़ा करती हैं अंदर चलते हैं सबसे पहले ये आपका क्या टीवी लाउंज मैं मैंने बताया जैसे फाइनल पेंट्स हो रहे हैं तो फाइनल पेंट्स में आपको थोड़ा काम रहता है सॉरी लॉबी है टीवी लाउंज नहीं है टीवी लाउंज अंदर है सबसे पहले एंटर होने के बाद आपकी राइट साइड पे एक्सेस है आप बाहर से भी एक्सेस ले सकते हैं और अंदर से भी तो ये रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होता है हम इसमें बाद में जाते हैं सेकेंडली इसमें इसके साथ ही बिल्कुल छोटा सा पाउडर रूम है

बाहर से एक्सेस जो है वो यहां से मिल जाती है यानी जो भी गेस्ट आएंगे बाहर से वो घर के अंदर आ सकते हैं और बाहर से आपको टी वी अच्छा, अंदर जाते हैं राइट साइड पे तो ये आपका फुल साइज किचन है किचन के साथ बैक साइड पे किचन की जितनी विंडोज वगैरह हैं सब कुछ इंस्टॉल हो चुकी है किचन की लाइट से भी काम नहीं कर रही लेकिन आपको यहाँ से दिखा देता हूँ ये किचन आ गया किचन के साथ साथ ये सारा एरिया जो बनता है ये आपका आउटर पैसेज है ठीक है इसके साथ साथ अंदर चलते हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे टू बेडरूम्स हैं ये आपका क्या बेडरूम वन सीलिंग वर्क देखें उसके अलावा लाइट्स वगैरह देखें एक करोड़ चालीस लाख में आजकल क्या मिलता है पांच मिला कंस्ट्रक्ट भी नहीं होता कि आपको कंपनी ने तीन साल किस्तों पर दिया था बाथरूम अटैच बाथ के साथ है ये भी पोर्टा के जितने इंस्टॉलेशन हैं यहां पर हुई हुई हैं इस तरफ आपकी प्रॉपर कबर्ड्स हैं और कबर्ड के साथ आपकी बैक साइड से जो है प्रॉपरली आपको वेंटिलेशन यहाँ से मिलती है सेकंड रूम में चलते हैं सारे घर इस घर में जो कंटेप्रेरी स्टाइल है इसमें डोर्स ब्लैक हैं बाकी वाइट डोर्स के साथ है जो कि जॉर्जियन और मेडिट्रेनियन है वो वाइट डोर्स के साथ है सेकेंड बेडरूम मैं साइज आपको दिखाता हूँ क्लियरली दूसरे एंड से ये आपका सेकंड बेडरूम का साइज आ गया साइज आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे अलॉन्ग विथ अटैच बाथरूम एंड वॉक इन क्लोजेट ये आपके दो बेडरूम्स हो गए ग्राउंड फ्लोर पे अब चलते हैं जी फर्स्ट फ्लोर पे उसके बाद देखते हैं टेरेस पे जहाँ पे क्वार्टर है कि ओवरऑल वहाँ पे काम कितना हुआ है या वो किस तरह से दिखाई देता है मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छा जी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें ताकि आपको स्मार्टसीटी से रिलेटेड ऐसी अपडेटेड वीडियो मिलती रहें अगर किसी भी इंडिविजुअल ने फर्स्ट फ्लोर को रेंट आउट करना है यानी कि डबल यूनिट है ये सिंगल यूनिट नहीं है मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ ये नीचे आपको जो डोर नजर आ रहा है ये डोर से आप बाहर से एक्सेस लेके यहाँ पे एंटर हो सकते हैं और यहाँ से ऊपर वाला यूनिट जो है वो सेपरेटली रेंट आउट भी कर सकते हैं क्योंकि ऊपर भी बेडरूम ड्राइंग रूम किचन सब कुछ मौजूद है अच्छा जी ऊपर आते साथ लेफ़्ट साइड पर इसे आप इस एरिया को एज ए गेस्ट बेडरूम इस्तेमाल कर सकते हैं एज भी इस्तेमाल कर सकते हैं अलॉन्ग टेरिस टेरेस भी है और विंडो भी दी गई है मैं आपको टेरेस भी दिखाता हूं इस अच्छा टेरेस की बात करें तो अच्छी आउटडोर स्पेस बनती है टेरेस की ये आपकी टेरेस की स्पेस है ये ओ टी एस है इस तरफ लेकिन इस तरफ टेरेस की मेरे ख्याल में एम्पल स्पेस है किसी भी अच्छी फैमिली के लिए बड़ी फैमिली के लिए घर के अंदर चलते हैं लॉबी से दोबारा राइट साइड जाते हैं अंदर तो ये आपकी प्राइवेट स्पेस आ गई इन टर्म्स ऑफ टीवी लाउंज किचनेट फिर आपकी ओ इस जगह से भी है और इस तरफ आपका नीचे दो बेडरूम्स हैं ऊपर आई थिंक चार बेडरूम्स हैं और तीन बेडरूम्स का ऑप्शन भी है ये आपका सेकंड बेडरूम आ गया इस बेडरूम के साथ भी आपकी वॉशरूम, अटैच वॉशरूम प्लस प्लाजेट ये आपका फिफ्थ बेडरूम आ गया अलोंग विथ प्राइवेट टेरेस इस मास्टर बेडरूम के साथ आपको प्राइवेट टेरेस मिलता है और ये आपकी प्राइवेट टेरेस का व्यू है है स्पाइरल के साथ ऊपर क्वार्टर वो मैं दिखा दूंगा इसमें वॉक इन तो नहीं है लेकिन खैर हैं प्लस आपका अटैच बाथरूम है ये घर अभी फाइनल स्टेज में रेडी नहीं हुआ इसके पेंट्स होने हैं बहुत सारी चीजें हैं तो अभी घर गंदा नजर आ रहा है आपको लेकिन एक्चुअली फिनिशिंग के बाद बहुत डिफरेंट ही चीज होगी है ऊपर आपके चार बेडरूम्स आगे सर तो तीन बेडरूम्स हैं अलोंग विद स्टोर यहाँ पे स्टोर है इस घर में पांच बेडरूम्स हैं ये है कंटेम्प्रेरी स्टाइल पांच बेडरूम्स पांच बाथरूम पांच फुल बाथरूम एक हाफ बाथरूम और बाकी ड्राइंग डाइनिंग और टीवी लाउंज की स्पेस हर एक फ्लोर पे मौजूद है और यहाँ से आपको छत से ये जो यहाँ एरिया बन रहा है जहाँ पेंट्स हो रहे हैं बैक साइड पे स्पायरल स्टेयर्स हैं मैं वो दिखाता हूँ आपको वहाँ से आप सर्वेंट क्वार्टर को एक्सेस ले सकते हैं और आपके घर के जो मुलाजमी होंगे यहाँ जो ड्राइवर रखते हैं मेड रखते हैं वो आपकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब ना करते हुए प्राइवेटली ऊपर रह के अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हैं तो आपके सर्वेंट क्वार्टर के लिए भी इनफ स्पेस यहाँ पर मैनेज की गई है ये स्टेयर्स के साथ आपको सर्वेंट क्वार्टर नज़र आ रहा है ये जो स्पायरल स्टेयर्स हैं और इससे छत पर आप जाके अच्छी टॉप पर आप सोलर इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं सो वेल दिस इट फॉर टूडे अगर आपको कैपिटल स्मार्ट हुई लाहौर स्मार्ट हुई बुकिंग वाले कुछ मालूमा चाहिए ये नंबर प्राप्त करें इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें डब्ल्यू 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 डॉट मकान सोलूशन डॉट कॉम अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान ची को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़